हेलो दोस्तों, मेरा नाम रणवीर सिंह जाट है। आज मैं आपको होंडा अमेज 2024 के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम जिस सेगमेंट में जाने वाले हैं वो यहाँ पर आपको लाइट सेटअप के बारे में मैं बताऊंगा, जिसके अंदर आपको एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती हैं। लाइट्स को आप सामने की तरफ से अगर देखेंगे तो इसमें एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स है विद डीआरएल्स। इसी के साथ में आप यहाँ पर देखेंगे इसमें सॉलिड विंग फ्रेश क्रोम ग्रिल का यूज़ किया गया है, जो कि होंडा के लुक को काफ़ी इनहांस करता है। इसी के साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप क्रोम गार्निश का भी ऑप्शन इसके नीचे मिल जाता है। इसी के साथ में अगर आप लोअर पार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एलईडी फॉग लैंप्स मिल जाते हैं विद क्रोम गार्निश। फ्रंट साइड को अगर आप देखेंगे यहाँ पर पे बोनट के ऊपर तो आपको काफ़ी वाइडर व्यू दिखता है। विंडशील्ड ग्लास जो है काफ़ी ब्रॉड है, जिसकी वजह से आपको विजिबिलिटी में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इसी को क्लीन करने के लिए यहाँ पर आपको दो वाइपर मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको टॉप मॉडल के अंदर में R15 एलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो कि डायमंड का एलॉय व्हील्स है। उसी के बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो साइड में जो RVM आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों ऑप्शंस के साथ में आते हैं। इसी पर आपको टर्न इंडिकेटर्स का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। उसी के साथ में जब हम कार के हैंडल्स की तरफ मूव करते हैं तो आपको क्रोम बेस हैंडल्स मिलेंगे, जो कि टॉप वेरियंट VX में आते हैं। इसी के अंदर आप कार की कीज़ देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको लॉक अनलॉक के साथ में बूट ओपनर का भी ऑप्शन मिल जाता है। कार के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री एग्जिट का प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है। ड्राइवर साइड डोर की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM का ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ में आपको चारों चार पावर विंडो का ऑप्शन दिया हुआ है। ड्राइवर साइड विंडो वन टच ऑटो है, वन टच अप एंड डाउन दोनों का प्रोविज़न दिया हुआ है। यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पर विंडो लॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है। डोर ओपन इन क्लोज का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है आपको। ड्राइवर सीट पर सबसे पहले हम लुक करेंगे, यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर में ड्राइवर सीट जो है एक बकेट फॉर्मेट में मिलती है, जिसके अंदर में आपका थाई सपोर्ट और शोल्डर सपोर्ट दोनों प्रॉपर मिलता है। इसी के साथ में आपको सीट जो है ये 50mm तक एडजस्टेबल है, जो कि मैनुअली प्रोविज़न में आता है। इसी के साथ में स्टेयरिंग आप देखेंगे, स्टेयरिंग जो है वो टिल्ट है। इसी के साथ में सीट फ्रंट एंड रियर की तरफ में बहुत ईजिली मूव हो जाता है। और हेडरेस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल पोजीशन में हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक और सिल्वर ऑर्नामेंटेशन का वर्क किया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। इसी के साथ में अगर फ्रंट डैशबोर्ड की मैं बात करूँ तो मुझे आई से विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है कार के अंदर में। मुझे H2H बोनेट की विजिबिलिटी मिल जाती है। 7 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि एप्पल और एंड्रॉयड दोनों फ़ोन की कनेक्टिविटी के साथ में आता है। इसी के साथ जो AC फंक्शन है, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है विद मैक्स कूल, जो आपकी गाड़ी को काफ़ी जल्दी ठंडा कर देगा। इसी के साथ में आपको यहाँ पर प्लग इन प्लग आउट वाला वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है कार के अंदर में। फ्रेंड्स, जो हम अभी वेरिएंट यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक मतलब CVT ट्रांसमिशन के साथ में होंडा में दिया है। इसी में आपको मैनुअल का भी प्रोविज़न मिलेगा, जो कि 5 forward and 1 reverse gear के साथ में आता है। सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ, कुशनिंग की मैं बात करूँ तो सेगमेंट में काफ़ी सारी कार्स के मुकाबले इस गाड़ी में सीट्स एंड कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल के साथ में आती हैं। बकेट सीट्स फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आपको थाई और शोल्डर सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसी के साथ में सीट्स आप देखेंगे यहाँ पर बेज कलर की दी हुई है, जो कि ब्लैक के साथ में मिलकर काफ़ी इस कार के लुक को काफ़ी इन्हांस कर देता है। MID स्क्रीन स्टैंडर्ड जैसे अमेज के अंदर शुरू से आ रहा है, एनालॉग फॉर्मेट में है। थोड़ा सा इसमें कस्टमाइजेशन किया गया है, जिसमें आपको निडिल के ज़रिए आप गाड़ी में टेम्परेचर, गाड़ी का एक्चुअल माइलेज और किस मोड पर कार है वो देख सकते हैं। हाँ, अभी रिसेंटली होंडा ने 5 seat belt रिमाइंडर्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कार के अंदर में। हमारे पास में ऑटोमेटिक वर्जन CVT है, तो आपको स्टेयरिंग पर सबसे पहले यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे। प्लस एंड माइनस दो यहाँ पर साइन दिख रहे हैं आपको स्टेयरिंग पर, जो कि पैडल शिफ्टर्स को आप मैन्युअली ऑपरेट कर पाते हैं। इसी के साथ में अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूँ तो लेदर रैप्ड स्टेयरिंग आता है, जो कि ग्रिपिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और आपको कॉन्फिडेंट फील करवाती है वाइल्ड ड्राइविंग। स्टेयरिंग कंट्रोल्स की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को एक्सेस करने के लिए स्टेयरिंग पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप ब्लूटूथ और FM के सोर्स इन बटन से चेंज कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन कनेक्ट है इंफोटेनमेंट के साथ में तो आप कॉल रिसीव और डेकलाइन का ऑप्शन प्लस वॉइस कमांड तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्रेफर करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन को तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। और ज़्यादा फीचर्स की हम लोग बात करें इसके अंदर में, तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है विद मैक्स कूल फंक्शन, जो कि गाड़ी को आपको काफ़ी जल्दी ठंडा कर देगा।
ठीक है। इसी के साथ में ग्लव बॉक्स जैसा नॉर्मल होंडा की गाड़ियों में आता है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स मिलता है आपको। एसी वेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी प्रैक्टिकल एसी का आपको यहाँ पर फ्लो मिल जाता है, जो कि कभी भी आपको मिसमैच नहीं होगा, मतलब कूलिंग काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। एसी वेंट्स के ऊपर भी यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश ऑर्नामेंटेशन का वर्क किया गया, जो कि काफ़ी रिच दिखता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ लेग रूम की, तो फ्रंट साइड लेग रूम यूजुअली कार्स में सभी में अच्छा आता है, बट होंडा की एक अलग बात है, क्योंकि होंडा मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम फिलोसफी पे वर्क करता है। आपको गाड़ी के अंदर में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा और आपको रीडिंग लैम्प्स फ्रंट एंड रियर दोनों साइड में मिल जाएगा VX स्पेशल मॉडल में। इसी में रीडिंग लैम्प्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है हैलोजन, वैनिटी मिरर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ड्राइवर साइड पे मिरर का प्रोविज़न नहीं दिया गया है। मिरर IRVM नॉर्मली जैसा कार्स में आता है हमेशा की तरह, वैसा ही होंडा ने दोबारा यूज़ किया है इस कार में। कैबिन को जैसा फ्रंट में मैंने बताया आपको रीडिंग लैम्प, इसी तरह के लैम्प्स आपको बैक साइड में भी मिल जाते हैं, जो कि हैलोजन बल्ब्स के साथ में आते हैं। बैक डोर की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी वाइडर एरिया मिल जाता है, जो कि आपको गाड़ी में बैठने के समय और कार से बाहर निकलते टाइम कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा। इसी के साथ में अगर मैं डोर की बात करता हूँ यहाँ पर, तो आपको पावर विंडो के साथ में यहाँ पर पावर विंडो का प्रोविज़न मिल जाता है। यहाँ पर भी काफ़ी रिच फैब्रिक का यूज़ किया गया है, प्लास्टिक मटेरियल काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। आपको यूजुअली गाड़ियों के अंदर जो स्मेल आता है कैबिन में से वो नहीं आएगा। यहाँ पर ब्लैक एंड बेज शेड का यूज़ किया है, जो काफ़ी रिच दिखता है। फैब्रिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। चारों डोर्स पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको 1 लीटर बोटल होल्डर का प्रोविज़न दिया हुआ है। अगर मैं बैक साइड के लेग रूम की बात करता हूँ तो मेरी हाइट 5'9" है, बट मैं उसके बाद भी काफ़ी कंफर्टेबल बैठा हूँ। आप देख पा रहे होंगे फ्रंट सीट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम साइड पर पीछे है, बट मुझे यहाँ पर एम्पल स्पेस मिल जाता है लेग में, और हेडरूम भी काफ़ी सफिशेंट दिया हुआ है। आर्मरेस्ट की मैं बात करूँ तो आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है विद स्टोरेज कंसोल, आप आपका कॉफ़ी मग यहाँ पर रख सकते हैं, और 3 लोग आराम से कंफर्टेबली, अगर मैं आर्मरेस्ट को फोल्ड करता हूँ तो 3 लोग कंफर्टेबली बैठ जाएंगे यहाँ पर कार में। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है हमको। इसी के साथ में अगर रियर पैसेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको शी शेप में LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जो कि LED प्रोविज़न है, जो कि टॉप और सेकंड टॉप दोनों ही वेरिएंट में सिमिलर आने वाले हैं। इसी के साथ में अगर आप रियर ग्लास की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको यहाँ पर मिलते हैं डिफॉगर्स, हाई माउंट लाइट, शार्क फिन एंटीना, जो कि लुक को काफ़ी इन्हांस कर देता है। बैक व्यू की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ आपको, तो मल्टी व्यू रियर कैमरा की प्लेसिंग इस तरह से होंडा ने जैसे दी हुई होती है H लोगो के नीचे दिया हुआ है, उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ आपको अमेज़ की बेजिंग मिलती है, जो कि सिल्वर फिनिश में आती है। होंडा की सेंट्रलाइज बेजिंग आपको मिल जाती है, और IVTEC मतलब होंडा का जो लेजेंडरी इंजन है IVTEC, उसकी बेजिंग आपको यहाँ मिलती है। बूट स्पेस की हम बात करें तो एज़ यूजुअल जो होंडा का हमेशा से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा होता है, 420 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि आपको यहाँ पर माउथ टू माउथ विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसके अंदर में आपको डेप्थ काफ़ी कम है, तो बैग निकालने में और बैगों को रखने में गाड़ी में कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। बोनट काफ़ी हेवी है, पूरा टेंसाइल स्टील का यूज़ किया गया है इस गाड़ी में। NCAP में इस कार को 4 स्टार की रेटिंग मिलती है। अगर मैं स्पेसिफिक इंजन की बात करता हूँ तो ऑफकोर्स होंडा का जो IVTEC इंजन टेक्नोलॉजी, जो कि लेजेंडरी इंजन टेक्नोलॉजी माना जाता है, इस इंजन की अगर मैं बात करूँ तो आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि 4 सिलेंडर है। पावर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 6000 RPM के ऊपर में आपको 90 PS का पावर मिलता है। कार की अगर मैं इंजन वारंटी की बात करूँ तो 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर की गाड़ी के अंदर आपको इंजन वारंटी मिलती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। एवरेज क्लेम की अगर मैं बात करूँ इसमें तो 18.5 का एवरेज क्लेम्ड है इसका मैनुअल में, और 19.5 का एवरेज क्लेम्ड है CVT में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो आई होप मैंने आपको अमेज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की होगी। गाड़ी की डिस्काउंट ऑफ़र की अगर मैं बात करूं तो अभी होंडा की तरफ से इस गाड़ी के ऊपर तकरीबन 1 लाख रुपये तक के डिस्काउंट एंड ऑफ़र हैं। डिस्काउंट का फ़ायदा उठाने के लिए जल्दी से जल्दी अपनी नियर बाय डीलरशिप पर जाएं और वहां विजिट करें और टेस्ट ड्राइव शेड्यूल करें। मेरा नाम रणवीर सिंह जाट है और मैं लैंडमार्क होंडा इंदौर डीलरशिप से हूं।